तो अभी इन दोनों को घास दे दिया है खाने के लिए। गरी पत्तों के बीचों बीच आ गई हूँ मैं। गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से आप सबका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी बज गए हैं दोपहर की 11 और अभी हम खाना खा के फ्री हो गए हैं और अभी मैं और मम्मी जा रहे हैं खेत। तो मैं घर में बहुत ज़्यादा बोर हो गई हूँ तो आज मैं भी जाऊँगी खेत। तो मम्मी जी गोबर का गिल्टा ले जाएंगे खेत को और मैं भी उनके साथ घूमने जाऊँगी और हम खेत से लाएँगे अरबी के पत्ते। आज शाम को हम फिर से पतरोड़ बनाएंगे क्योंकि उस दिन बनाए थे वो थोड़े कम बनाए थे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे तो आज फिर से बनाएंगे हम। तभी हम चल रहे हैं और आदमी का भी सोया है तो आदमी के साथ है आदमी की मामी। तो ये ले लिया है मैंने बैग, इसमें लाऊंगी मैं अरबी के पत्ते और मम्मी जी भी अभी आ रहे हैं तो अभी हम चल पड़े हैं। तो देखिए यहाँ पे घास सूखने के लिए रखा है तो आजकल घास सुखा रहे हैं सब लोग। और ये सड़े हुए एप्पल यहाँ पे गाय के लिए रखे हैं। देखिए गाय सबकी छतों पे आजकल घास ही घास है। ओहो गोरी। और ये देखिए हमारी गाय गोरी। देखिए मम्मी गोरी गोरी। तो मम्मी जी अभी गोबर भरेंगे गिल्टे में। मम्मी जी अभी गिल्टे में इस तरह से ये बोरियां लगा रहे हैं ताकि गोबर उनको ना चिपके चिपके। इस तरह से अब भरेंगे इसमें गोबर। तो इस तरह से मम्मी जी ने गिल्टे में देखिए ये बोरी लगाई है ताकि गोबर बाहर ना निकले। तो अब मम्मी इसमें गोबर डालेंगे ये देखिए जी। दोनों को घास दे दिया है खाने के लिए गरी। तो अभी चलेंगे हम। तो अभी चलते हैं मैं थोड़ा थोड़ा रेडी सको। थोड़ा थोड़ा रेडी तो अभी हम खेत में पहुंचने ही वाले हैं। और ये देखिए गाइस मक्की की बड़े बड़े खेत। तो मक्की भी थोड़े दिनों के अंदर ही तैयार होने वाली है। और ये देखिए है ना इस बार लेट हो गया। यहाँ भी अरबी के पत्ते लगे और ये देखिए भिंडी। गाइस अभी हम खेत में पहुंच गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मिर्च लगी है, ये है मिर्च का पूरा खेत। हाँ जी तो ये है हमारे खेत, एक ये वाला एक नीचे वाला। और देखिए यहाँ पे बहुत सारे अरबी के पत्ते लगे हैं तो यहाँ से हम निकालेंगे ये देखिए। यहाँ
यहाँ पे बीजी है स्कैश, ये देखिए तो ये स्कैश के छोटे छोटे पौधे लगे हैं और इस पूरे खेत में हमने स्कैश बीजी है। और देखिए गाइस जब बारिश आई थी ना तो उस टाइम हमारे खेत के यहाँ पे भी लैंडस्लाइड हुआ था, तो देखिए अभी यहाँ पे काम चला है। और देखिए गाइस ये है अखरोट का पेड़, ये बहुत बड़ा पेड़ है अखरोट का, तो इस बार इसमें बहुत ज़्यादा अखरोट लगे हैं। पिछली बार बहुत कम लगे थे लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा लगे हैं। ये देखिए यहाँ पे हो रहा है काम, डंगा दे रहे हैं यहाँ पे। और तो ये देखिए गाइस अखरोट का पेड़ भी सूख गया बारिश की वजह से, और ये देखिए अखरोट लगे हैं। तो यहाँ पे भी स्कैश लगाई है और मम्मी जी देख रहे हैं कि स्कैश अच्छे से लगी है नहीं, तो चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये वाला पौधा है कीवी का, तो ये पिछले साल लगाए थे पापा जी ने, तो अभी इतना बड़ा हो गया है। ये देखिए कीवी का पौधा, और ये देखिए एक और कीवी का पौधा, तो इसकी बेल बहुत बड़ी हो गई है। ये देखिए नेक्स्ट मंथ तक शायद इसमें फल भी लग जाएगा कीवी का। तो अभी हम घर की ओर वापिस जा रहे हैं और ऊपर वाले खेत से अरबी के पत्ते भी तोड़ेंगे। ये इतने पत्ते मैंने तोड़ दिए हैं और ये देखिए पत्तों के बीचों बीच आ गई हूँ मैं। सो गाइस अभी हमने थैला भर के पत्ते तोड़े, ये देखिए, तो अभी हम चल रहे हैं घर की ओर वापिस। गाइस धूप बहुत तेज लग रही है तो अभी हम यहाँ पे पियेंगे पानी। तो गाइस देखिए यहाँ पे है नेचुरल वाटर, बहुत ज्यादा ठंडा है। तो गाइस बहुत अच्छा पानी है, ठंडा ठंडा, तो आप पीजिए जी। तो अभी हम यहाँ शॉप के पास पहुँच गए हैं, तो अभी यहाँ से कुछ खाने के लिए लूँगी। सो गाइस अभी मैं घर में पहुँच गई और मम्मी जी रास्ते से दूसरे वाले खेत चले गए घास लाने, और मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई इसलिए मैं घर आ गई। और ये रहे पत्ते, और ये मैं खाने के लिए लाई हूँ थोड़ा सा सामान। तो ये मैंने निकाल दिया है खाने के लिए लेज और जूस। शोर से ला रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे भाभी जी शोर से ला रहे हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने और हेयर वॉश मुझे आज नहीं करना है, तो अभी फटाफट से नहा लेती हूँ। सो गाइस अभी मैं नहा धो के फ्री हो गई हूँ और हेयर वॉश मैंने आज नहीं किया, तो अभी आदबिक भी उठ गया है तो मैं चलती हूँ आदबिक के पास। तो दादी जी बैठे हैं अभी आदबिक के पास और हेलो ओए ओए मम्मा ए मम्मा बाद में आना हो। तो नहाने के बाद मैं सो गई थी तो अभी जाके उठी हूँ और अभी यहाँ पे आई है। कौन आई है? अनबू आई है यहाँ पे। कब आए आप? अभी।
अभी इंटरेस्ट किसने लाई आपको इतनी सुंदर सुंदर? दादी ने। दादी माँ ने? तो आप भी फिर से सो गया है। सो गाइस अभी शाम के 5 बज गए हैं और अभी मम्मी और भाभी गए हैं घास को, तो मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। मैं बोला था कि हम पतरोड़ो बनाएंगे आज शाम को भी, लेकिन अब कैंसिल हो गया है क्योंकि पापा जी आज घर नहीं आ रहे, वो कल घर आएंगे, तो उनको बहुत पसंद है तो हम कल ही बनाएंगे। हाँ जी नहीं, तो फिर आज कैंसिल हो गया ये प्रोग्राम हमारा, तो कल हम पक्का बनाएंगे।